नमस्कार दोस्तों, गिकी रिकी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पोको F1 जो स्वामी की तरफ से जो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है स्वामी ने, दोस्तों प्राइस 20,990 के प्राइस में जो वैल्यू फॉर मनी डील है आपके लिए, उसके बारे में आज कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट लगभग में 21,000 रुपये है, अगर आपको एक 48-45 के साथ में एक फ्लेक्सिबल फ़ोन चाहिए जो 845 के साथ में आता था, तो स्वामी का पोको F1 आपके लिए सबसे बेहतरीन फ़ोन रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये पोको F1 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि पोको F1 आपके सभी के लिए कैसा है। अगर आपका बजट लगभग में 21,000 रुपये है तो आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूरी चीज़ें और A to Z आपको इस फ़ोन के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा कोई फ़ोन अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतना सारा अभी फ़ोन अनबॉक्सिंग करने के लिए इतना पैसा नहीं हो सकता है, इसलिए कोई फ़ोन मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूं। डायरेक्टली मैं आपको मेरा स्ट्रेटली ओपिनियन बताऊंगा कि पोको F1 आप सभी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपका बजट लगभग में 21,000 रुपये है, अगर आपको एक 845 वाला एक चिपसेट चाहिए जो 8 सीरीज़ प्रोसेसर के साथ में आता है, तो पोको F1 आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस फ़ोन की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये फ़ोन स्वामी और पोको का मिलाप करके बनाया हुआ फ़ोन है। उसके वेरिएंट की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 6 GB RAM 64 GB वाला वेरिएंट आपको 20,999 मिलेगा, 6 GB RAM 128 GB वाला वेरिएंट आपको 23,999 मिलेगा, और जबकि 29,990 वाला 8 GB RAM 128 GB वाला वेरिएंट आपको 27,990 में मिलेगा, और जो 8 GB RAM 256 GB वाला वेरिएंट आपको 29,999 में मिलेगा। दोस्तों अगर आपको 30,000 के अंदर में एक 845 वाला प्रोसेसर वाला चिपसेट वाला फ़ोन लेना है तो पोको F1 आप सभी के लिए बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले दोस्तों इस फ़ोन की बात करें बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसका मटेरियल जो यूज़ किया गया है वो एक प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में उतना अच्छा फ़ोन नहीं है दोस्तों। पर इसके अंदर आपको 845 का प्रोसेसर मिल जाता है जो अच्छा क्वालिटी आपको फ्लेक्सिबल डिवाइस का एक परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आपको फ्लेक्सिबल डिवाइस की परफॉर्मेंस चाहिए तो दोस्तों पोको F1 हम सभी के लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। पर दोस्तों अगर आपका बजट लगभग में 23,999 वाला जो फ़ोन है 6 GB RAM और 128 GB वाला वेरिएंट, दोस्तों मैं आपको प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपका बजट लगभग में 24,000 रुपये तक के है तो आप Asus Zenfone 5G को देख सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज के बजट में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि क्वालिटी के मामले में बहुत ही अच्छा मॉडल है, तो आपको Asus का फ़ोन ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पोको F1 वही उन्हीं लोगों को प्रेफर करूँगा जो कम प्राइस के रेंज में आपको 845 का प्रोसेसर चाहते हैं, डुअल कैमरा चाहते हैं, अच्छा प्रोसेसर चाहते हैं और ज़्यादा रैम चाहते हैं, वो 20,999 में पोको F1 को ले सकते हैं। पर अगर आपका बजट लगभग में 25,000 से ऊपर जा रहा है या 24,000 से ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो मैं आपको Asus का Zenfone 5G प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपको कहीं ज़्यादा अच्छा कैमरा मिल जाता है, कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको 845 का मिल जाता है, नॉच डिस्प्ले मिल जाती है, और उसका जो बैक का कवर है दोस्तों उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको बहुत ही अच्छा मॉडल मिल जाता है। जबकि कैमरा क्वालिटी की बात करो तो कैमरा क्वालिटी के मामले में जो Asus का Zenfone 5G है वो पोको F1 से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो पिक्चर क्वालिटी के लिए आपको मैं Asus Zenfone 5G जीत जाता है। जैसे परफॉर्मेंस की बात आती है दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में Asus Zenfone 5G और जो पोको F1 है दोनों एक ही परफॉर्मेंस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, 10-20 का ही फर्क आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। पर दोस्तों अगर आपका बजट लगभग में 30,000 से ऊपर जा रहा है या 30,000 से नीचे का है, तो मैं आपको 8 GB 256 GB वाला पोको F1 प्रीफर करता हूँ, जबकि 23,990 वाला आपको पोको F1 प्रीफर नहीं करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही बताना चाहता था कि अगर आपको कम प्राइस रेंज के अंदर 20,999 में एक 845 वाला प्रोसेसर चाहिए दोस्तों, तो आप पोको F1 को प्रीफर कर सकते हो। अगर आपको 25,000 से लेकर 30,000 तक का बजट का है तो दोस्तों तो मैं Asus Zenfone 5G आपको प्रीफर करूँगा, जबकि आपका बजट 30,000 से ऊपर का जाता है दोस्तों सबसे किलर फ़ोन आप सभी के लिए फ्लेक्सिबल डिवाइस का वैल्यू फॉर मनी फ़ोन रहेगा वन प्लस सिक्स को दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर कोई कंपनी बीट नहीं कर सकती, चाहे सैमसंग की कंपनी हो, चाहे MI की कंपनी हो, चाहे Asus कंपनी हो, क्योंकि वन प्लस सिक्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, डैश चार्जिंग मिल जाता है, 6 GB RAM मिल जाता है, 845 का प्रोसेसर मिल जाता है, नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, और डुअल कैमरा सेटअप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट लगभग में 30,000 से ऊपर जा रहा है या आपको 35,000 के प्राइस में एक फ्लेक्सिबल डिवाइस वाला फ़ोन चाहिए, तो आप Asus Zenfone 5G को प्रीफर कर सकते हो। जबकि अगर बजट आपका लगभग में 20 से 30,000 के प्राइस में है दोस्तों, तो मैं आपको पोको F1 को प्रीफर करता हूँ।
अगर आपका बजट लगभग 25,000 से 30,000 के प्राइस में जाता है दोस्तों, तो Asus Zenfone 5G आप सभी के लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। पर दोस्तों जो वैल्यू फॉर मनी डील होती है, तो आप सभी देखते होंगे कि फ्लेक्सी डिवाइस में मेन चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी फ्लेक्सी डिवाइस परचेस करते हो तो उसके अंदर सबसे मेन चीज़ आपकी होनी चाहिए प्रोसेसर। अगर आपके फ्लेक्सी डिवाइस में प्रोसेसर अच्छा नहीं है दोस्तों, तो वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि जो भी प्रोसेसर होता है दोस्तों, जो कैमरा होता है या कोई इसकी रैम होती है या उसकी रोम होती है दोस्तों, पूरा आपके प्रोसेसर पे डिपेंड रहता है। तो सबसे पहले अगर आप बाज़ार में कोई भी फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर दिया हुआ है और क्या वर्क करता है। क्योंकि प्रोसेसर अगर आपका अच्छा नहीं होगा, तो चाहे जितनी भी ज़्यादा रैम होगी दोस्तों, उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप एक फ़ोन परचेस करने जाते हो, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर दिया हुआ है, कितना नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी दिया हुआ है, आम कोटेक्स कितने A53 के कितने कोर्स है और A73 के कितने कोर्स उसके अंदर मिल जाते हैं। और दोस्तों सबसे पहले यही देखिएगा कि कोई भी फ़ोन को अगर लेने जाते हो, सबसे पहले आप कैमरा और जो उसका बूटिंग टाइम है दोस्तों, वो पहले मत देखिएगा। सबसे पहले देखिए कि प्रोसेसर कौन सा है, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। उसके बाद में दूसरा सेकेंड प्रायोरिटी आता है आपका रैम। दूसरे प्रायोरिटी में आप रैम देखिए, रैम कितना अंदर दिया हुआ है। थर्ड प्रायोरिटी आपका आता है कैमरा दोस्तों, ये देखते जाएगा। और फोर्थ प्रायोरिटी आता है आपका बिल्ड क्वालिटी। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी फ़ोन लेने जाते हो दोस्तों, तो सबसे पहले उसके अंदर देखिए कि कौन सा प्रोसेसर दिया गया है, 8 सीरीज़ का प्रोसेसर है, 6 सीरीज़ का प्रोसेसर है या कोई दूसरा प्रोसेसर आपको दिया गया है। अब दोस्तों जब प्रोसेसर की बात आती है, तो मीडिया टेक का अगर प्रोसेसर आप फ्लैक्सी डिवाइस के अंदर लेते हो, तो दोस्तों मैं आपको मीडिया टेक का प्रोसेसर फ्लैक्सी डिवाइस में प्रीफर नहीं करूँगा। तो अगर आपको फ़ोन लेना है, तो दोस्तों आप मैं कॉलकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाले फ़ोन ही प्रीफर करता हूँ। क्योंकि जो मीडिया टेक के फ़ोन वाले फ़ोन होते हैं दोस्तों, उसका बूटिंग टाइम बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों आप सभी ने तो यही देखा होगा, मैंने जो भी बताया फ़ोन से, जो भी मैं आपको टेक्निक बताया वो याद रखिएगा दोस्तों। तो कभी भी फ़ोन लेने जाओ दोस्तों, तो ये सब बात जरूरी याद रखिएगा। अब दोस्तों जो मैंने नोट 5 प्रो लिया था दोस्तों, तो नोट 5 प्रो आपको दिखा देना चाहता हूँ। लगभग मैं 3 महीने से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसके अंदर मेरे को डेली बेसिस पे MI की तरफ से अपडेट भी मिल जाते हैं। तो ओरियो पे अभी वर्क कर रहा है। जो उसका रियर कैमरा है दोस्तों, 12+5 MP का मिलता है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 के प्रोसेसर के साथ में आता है। अब दोस्तों 636 का प्रोसेसर एक फ्लैक्सी डिवाइस का प्रोसेसर तो नहीं कहूँगा, पर इसके अंदर आपको क्रायो चिप्स मिल जाती है। क्रायो चिप्स मिलने के कारण दोस्तों, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो इस फोन से, तो आपको इजी टू वे पे मल्टीटास्किंग करने में अच्छा रहता है। तो दोस्तों वही चीज़ बोलता हूँ कि कभी भी आप कोई फ़ोन लेने जाए, तो सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा दिया गया है। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जैसे कि अगर आपको पोको F1 लेना है तो आप क्यों लोगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वैल्यू फॉर मनी डील आपको 20,999 वाला 4GB रैम, 6GB रैम और 64GB वाला रोम आपको वैल्यू फॉर मनी डील पोको F1 का रहेगा। अगर आपको 24,000 वाला पोको F1 लेना जा रहे दोस्तों, तो मैं आपको फोन प्रीफर नहीं करूँगा। अगर आप किसी भी फ़ोन में 24,000 रुपये डाल रहे हो दोस्तों, तो आप Asus Zenfone 5G को ले सकते हो। क्योंकि Asus का जो Zenfone 5G दोस्तों, पोको F1 के 6GB रैम 128GB वाले वेरियंट से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके अंदर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, ग्लास बॉडी मिल जाती है और एक आपको अच्छा वैल्यू फॉर मनी डील मिल जाता है। अगर आपका बजट 30,000 से ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको विदाउट डाउट जो 1+6 है दोस्तों, उसको प्रीफर करता हूँ। अब दोस्तों क्वालिटी के मामले में जो अगर आप कंपेयर करते हो पोको F1 को, Asus Zenfone 5G को या 1+6 को, तो 1+6 पहले नंबर पे आता है, Asus Zenfone 5G दूसरे नंबर पे आता है और पोको F1 क्वालिटी के मामले में, मटेरियल क्वालिटी के मामले में थर्ड नंबर पे आता है। अब दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो परफॉर्मेंस के मामले में तीनों फ़ोन ही को इक्वली मार्क मैं दूंगा। अब दोस्तों मैं कैमरा क्वालिटी की बात करता हूँ, तो कैमरा क्वालिटी के अंदर में 1+6 को 10 में से 9 नंबर देता हूँ, जबकि Asus Zenfone 5G को 10 में से 7 नंबर दूंगा और जो पोको F1 है दोस्तों, उसको 10 में से 6 नंबर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसकी क्वालिटी की बात आती है, चार्जिंग की बात आती है, बैटरी कैपेसिटी की बात आती है, तो बैटरी कैपेसिटी के मामले में भी अपना जो 1+6 है दोस्तों, क्लियरली विनर निकल के आता है। उसके अंदर आपको डेस्क चार्जिंग मिल जाती है, जो किसी भी फ़ोन में आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों जो इस प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी डील आपको दे रहा है, वो 1+6 ही दे रहा है। पर दोस्तों कम प्राइस रेंज के अंदर आपको 845 वाला प्रोसेसर वाले परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप पोको F1 20,999 वाले फ़ोन को प्रीफर कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको यही बनाने का मकसद था कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, 20,000 से 30,000 के रेंज में या 30,000 के 40,000 की रेंज में।
तो पोको एफ वन आपका जो 6 GB रैम वो 64 GB वाला वेरियंट है दोस्तों, आप सबके लिए बेहतर रहेगा। जबकि आपको 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरियंट मैं आपको प्रीफर नहीं करता हूँ, उसके बदले में आप असूस जेन फोन 5G को प्रीफर कर सकते हो। और दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में जो पोको एफ वन है दोस्तों उतना अच्छा नहीं काम कर पाता है, जबकि असूस का जो जेन फोन 5G है दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। जबकि वन प्लस सिक्स तो क्लियरली आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करूँ तो वन प्लस सिक्स में आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जबकि असूस जेन फोन 5G में आपको क्वाड HD डिस्प्ले मिल जाती है, जबकि पोको F1 में आपको फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले के मामले में भी वन प्लस सिक्स आपको क्लियरली विलन होकर निकलता है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर कोई भी बात आपको कहे भी ना बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट 30,000 से ऊपर जा रहा है या 30,000 के अंदर में ले रहे हो दोस्तों, तो आपको 4,000 रुपये नाक के वन प्लस सिक्स ही देना चाहिए। अगर आपको 21,000 के प्राइस में एक फ्लेक्सी डिवाइस वाला प्रोसेसर वाला फ़ोन चाहिए दोस्तों, तो पोको एफ वन आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको 25,000 से लेकर 30,000 के प्राइस में एक फ़ोन चाहिए जो आपको एक क्लियरली विनर हो या दिखने में प्रीमियम हो दोस्तों, तो मैं आपको असूस जेन फोन 5G प्रेफर करता हूँ। पर दोस्तों वही चीज़ होती है कि सामने अपना वादा पूरा करती है, कम प्राइस के अंदर आपको एक फ्लेक्सी डिवाइस का एक मजा दे रहा है, फ्लेक्सी डिवाइस का आपको एक परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मैं आपको पोको एफ वन जरूर प्रीफर करता हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने मेरा बनाने का यही मकसद था कि आपको पोको एफ वन के बारे में बताऊँ कि पोको एफ वन आपको सभी के लिए कैसा है और किस तरह से आपको मिलता है। दोस्तों आज का इन द एंड मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट लगभग में 20 से 25,000 के अंदर है तो दोस्तों मैं आपको पोको एफ वन प्रीफर करता हूँ। अगर आपका बजट 25,000 से 30,000 के प्राइस में जाता है दोस्तों, तो आप असूस जेन फोन 5G को ले सकते हो। अगर आपका बजट 30,000 से ऊपर का जाता है दोस्तों, तो वन प्लस सिक्स आप क्लियरली ले सकते हो। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में यही बताना चाहता था कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।